मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी दलों के नेता महाकाल मंदिर आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। यदि देखा जाए तो इस बार उज्जैन का महाकाल मंदिर राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर रह गया है। बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए थे, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की जीत के लिए जनसंपर्क शुरू किया। वहीं कांग्रेस चुनाव प्रचार प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी महाकाल के दर्शन कर चुनावी बिगुल बजाया था। अब भारतीय जनता पार्टी भी महाकाल के शरण में जाने की तैयारी में है। प्रदेश में भाजपा चौथी बार सरकार बनाने के अपनी मिशन की शुरुआत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में 14 जुलाई को भाजपा महाकाल मंदिर से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेगी। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी महाकाल मंदिर पहुंचकर जीत का आशीर्वाद लिया। जैसा 2008 में हुआ था, जैसा 2013 में हुआ था, ऐसा ही अभियान जन आशीर्वाद अभियान मुख्यमंत्री शिवराज जी का प्रारंभ होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भी महाकाल के चरण में और जनता के शरण में जाने वाले जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी देंगे। भाजपा आगामी चुनाव की तैयारी की शुरुआत महाकाल की शरण से करेगी। प्रदेश के दोनों ही बड़े दल महाकाल के आशीर्वाद के साथ प्रदेश की जनता के बीच जीत का आगाज करेंगे। अब देखना होगा कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में महाकाल किसका साथ देते हैं। रिपोर्ट टैलेंट इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।